जय हिंद साथियों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल लोन टेक्निक पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि धरती का पटकना क्या होता है और धरती पटकती है तो किस किस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं मशीन में। इसके बारे में हमसे कई लोगों ने सवाल किया तो हमने सोचा कि इस पर एक जनरल नॉलेज की तरह आपको एक वीडियो बना करके पेश कर दें, ताकि ये आम समस्या है, जनरल चीज़ है ये, इससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, इससे आप भी अवगत हो जाएं, आपके नॉलेज में आ जाइए बात की धरती का पटकना क्या होता है। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं धरती पटकती हो तो किस तरह से पानी में दाग आ जाती हैं। अभी तो दिखा रहे हैं आपको, मोबाइल में तो करेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं दाग, इस कैमरे से स्पष्ट आ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। धरती या ये जो पटकती है ना, तो ये पेटी से जब निकलती है ऐसे तो थोड़ा सा ऐसे गिर जाती है, जब पेटी से बाहर आती है तो ऐसे आ करके थोड़ा सा बाहर आ करके गिर जाती है, जिससे कि पानी पर हल्के फुल्के निशान बन जाते हैं लंबे लंबे, इस तरह के ऐसे ऐसे जैसे लगता है कि किसी चीज़ का दाग है, इस तरह के निशान ऐसे 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 लंबाई में बन जाते हैं, और वहाँ पर जो है कि ताग जो है कि आपस में चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, दो तीन ताग आपस में चिपक जाते हैं, जैसे ये एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच काड़ी वाला है तो इसमें से दो काड़ी के तीन काड़ी के ताग जो है कि एक दूसरे में चिपक जाते हैं और आगे चलकर ये कटने भी लगते हैं और कपड़े में छापा पड़ जाता है, जिससे देखने में कपड़ा अच्छा नहीं लगता है और कपड़ा आईडीला हो जाता है, डी निकला जाता है, डी का मतलब बिखरती हो जाता है साड़ी। तो इस मोबाइल के कैमरे में हल्का फुल्का दाग देख रहे हैं, आपको दिखाई देगा, एक दाग बहुत बारीकी से देखने में मालूम पड़ेगा ध्यान से, ऐसे आमतौर पर देखने को नहीं मालूम पड़ते हैं, लेकिन बहुत हल्के फुल्के नज़र आ रहे होंगे आपको सफ़ेद सफ़ेद दाग की तरह, आपको दिखाते हैं जैसे जूम करके, बहुत हल्के फुल्के दाग मालूम पड़ रहे हैं, इसी को कहते हैं धरती का पटकना। अब दोस्तों होता क्या है, यह किस प्रॉब्लम से ऐसे धरती का पटकना होता है मशीन में, तो आपको बता दें कि एक साइड बेल में, ये है बेल का ऐसा किनारा, बॉर्डर जिसे कहते हैं, बॉर्डर, ये दोनों तरफ बॉर्डर होते हैं साड़ी में, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ बॉर्डर होते हैं। अब बॉर्डर क्या होता है कि थोड़ा सा ये लकड़ी खोल के जब चलता है, जिसको तरौछी कहते हैं, अब आपको दिखा देते हैं, अब ये देख रहे हैं आप, देखिए ये तरौछी को छोड़ के ये जरी वाला जो है, देखिए ये जरी वाला हिस्सा है, अंदर से आप डाल के देखिए, ये देखिए जरी, ये इतना तरौछी छोड़ के चल रहा है, हाथ से दबाने पर इतना दब रहा है, नीचे जा रहा है, देखिए ये आधी अंगूर के बराबर है, लगभग 10 mm के बराबर तरौछी छोड़ के चल रहा है, ये किनारे वाला ये जरी है ना, देखिए इधर से दिखाते हैं, ये देखिए इधर से हम हाथ डाल के दिखा रहे हैं, ये 10 mm छोड़ करके ऊपर से चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कटन पेटी से बाहर आते हैं अपनी जगह, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये सकाल आ गया, अब ये जब यहाँ पर आएंगे तो हल्का सा कटर उठ जाता है, देखिए अब ये इधर देखिए इधर हल्का सा उठ गया है, ये सटल हल्का सा उठ गया है, अब जब ये स्पीड में चलता है मशीन तो यही सटल थोड़ा सा उड़ के थोड़ा सा उछल के गिरता है आगे की तरफ, जब यहाँ पर हाँ, तो जब ये हल्का सा उठ जाता है आगे का हिस्सा, तो आगे फिर जब ये खिसकेगा तो थोड़ा सा ऐसे
उड़ के यहाँ पर गिरेगा। अब ये इतनी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि चलते वक्त ये मालूम नहीं पड़ता है कि शटर जो है कि उड़ के गिर रहा है, पटक रहा है। इसी कहते हैं ढकी का पटकना। अब ये ऐसे चला है यहाँ शटर, अब इतना स्पीड से जाएगा ऐसे उड़ के गिरेगा यहाँ से, तो यहाँ पर सारे निशान आ जाते हैं जिससे कि ये अंदर के जो बालगेट भी कट जाते हैं, वहाँ घिस जाते हैं। तो यहाँ पर जो कि अब कपड़े में छापा बनेगा और ताज भी कट जाता है, इससे काफ़ी परेशानी आती है। कपड़े डी हो जाते हैं, साड़ियाँ डी हो जाती हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका अभी आपको हम बताएंगे। हाँ तो साथियों, अब इस धरती को के पटकने को कैसे हम बनाएंगे, इसे आपको हम बता के दिखाते हैं। क्योंकि हमारे में अब जगह नहीं है, इसलिए हम अपने मशीन में बना करके दिखा नहीं सकते हैं उसको, लेकिन आपको तरीका जरूर बता देंगे कि बनेगा कैसे। अब ये देखिए, ये जो 10 mm का गैप हमने आपको दिखाया कि तरसी छोड़ करके चल रहा है, ये जो 10 mm का गैप है तरसी छोड़ के चलने वाला, तो अब आपके हत्थे में अगर जगह है नीचे से, आप दिखा दे रहे हैं कि ये वाला नट बोल्ट खोल करके ये वाला है, ये इससे ये इसमें जुड़ा हुआ है। अब हत्थे का जो नीचे का बोल्ट होता है यहाँ वाला, ये वाला बोल्ट ढीला करके ऊपर नीचे 2 बोल्ट दिख रहे हैं आपको, इधर से नहीं दिख रहा है, दिखा रहे हैं ये वाला, ये बोल्ट और ये बोल्ट, इसको ढीला करके हत्था को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया जाए, ताकि जो गैप है 10 mm का हमारे में, मान लीजिए आपके मशीन में और भी ज़्यादा गैप हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो इसको नीचे से उठा दीजिए। इतना उठाइए कि ये सैंपल जो लगा है किनारे इसमें टच ना करने पाए। जब ये बराबर हो जाएगा, ये हिस्सा जब बराबर हो जाएगा तो धरती पटकना बंद हो जाएगा। धरती पटकने के और भी वजह हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पिस्टन है, अब पिस्टन का उसके पीछे आगे पीछे रिंग लगे होते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये रिंग होते हैं, ये आगे और पीछे दोनों साइड रिंग लगे होते हैं, ये देखिए ये रिंग लगे होते हैं, तो इनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से हिला करके देख लीजिए, इसमें भी गैप हो गया है। तो अगर रिंग कट गए हैं तो आगे पीछे दोनों साइडों के रिंग को बदल लीजिए आप, और रिंग बदलने के बाद भी अगर ना माने तो इसका सेंटर मिला लीजिए पिस्टन और शटल का, ये देख लीजिए। अब ये पिस्टन का जो गोलाई वाला गड्ढा बना होता है खाँचा, वो बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, ये देख रहे हैं ना, इस गोलाई के बीचों बीच इधर से ऊपर से भी होना चाहिए और साइड से भी, इधर से भी देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, बीचों बीच आना चाहिए, तभी जो है कि वो सही चलेगा, अपने मार्ग जो है कि बिल्कुल करेक्ट चलेगा। अगर तब भी ना माने तो आप अपने शटल को जो है कि ले जा करके चेक करा लें दुकान पर, और उसको अच्छी तरीके से रिपेयर करवाने, शटल रिपेयर हो जाते हैं। ये देखिए शटल अभी कल ही मैंने घिसाई करा के लाया हूँ, देख सकते हैं आप, इसको घिसाई करके लाया हूँ, अब ये बिल्कुल सही है। थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं मशीन में, जब 14 घंटे 12 घंटे लगातार मशीन चलते हैं तो उसमें कमियाँ आ जाती हैं। तो मशीन का बराबर ख्याल रखें और अच्छे ढंग से मशीन चलाएं, ताकि कपड़े में कोई कमी ना आने पाए। तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज हमने दी आपको शटल पटकने के बारे में कि उसको बनाया कैसे जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंदी।